2020 कोरोना की बेंट चढ़ गया और 2021 के आगाज में वैक्सीन यहां पर हमें मिलनी शुरू हो गई, लेकिन बावजूद इसके सेकेंड पीक जो है इसका आरंभ हो चुका है और दिन प्रतिदिन जो है इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस को जो है उन्होंने बंद कर दिया है और अब बाजारों के लिए भी जो है एक नया ऑर्डर सामने आ गया है। हालांकि वेयर हाउस की पर्टिकुलर बात करें तो वेयर हाउस मार्केट ने, वेयर हाउस एसोसिएशन ने जो है एक उम्दा पहल की है। उन्होंने बाजार का टाइमिंग जो है स्वयं ही चेंज कर लिया है। उन्होंने अपने बाजार का टाइम जो है सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक रखा है और इसी बीच में जो है माननीय LG साहब का आदेश जारी हो गया है कि अब जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मार्केट हैं, बाजार हैं, शॉप्स हैं, उनको अल्टरनेट बेसिस पर ओपन किया जाएगा। जी हाँ, 50% जो है वो ओपन रहेंगी, 50% जो है वो क्लोज रहेंगी। इस आदेश को किस नज़रिए से देखते हैं हमारे जम्मूवासी, आइए जाने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस बाजार का, लोअर उगना बाजार एसोसिएशन का। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसी बीच में जो है प्रशासन का एक नया फैसला आया कि 50% जो है दुकानें बंद रखेंगे, मार्केट बंद रखेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है बंद रखेंगे, इस आदेश को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरे आइडिया में ये 50% वाला आइडिया हमें तो कुछ ठीक नहीं लगता, बाकी गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा हम कह नहीं सकते। 50% से सर प्रॉब्लम ये आएगी कि किसी भी मार्केट में आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि अगर ये करवाते हैं कि एक लाइन बंद करते हैं, एक लाइन खोलते हैं, कुछ एरियाज में कुछ दुकानें किसी चीज़ की होंगी, कुछ दुकानें किसी चीज़ की होंगी। अगर कस्टमर अगर बाज़ार में आता है, उसको एक दिन अगर वो बाज़ार में निकल के उसको हर चीज़ की शॉपिंग कर सकता है, उसी काम के लिए कस्टमर को घर से दोबारा दो बार निकलना पड़ेगा। इससे क्राउड मार्केट में कम नहीं होगा। अगर जैसे आप कहते हैं कि 50% रिडक्शन से, सर रिडक्शन दुकानें बंद करने से सिर्फ बाज़ार के जो लोग हैं वो कम हो सकते हैं, कस्टमर कम नहीं होगा। अगर कस्टमर मार्केट में आ रहा है तो वो 100% की बजाय 50% की दुकानों पर ही शॉपिंग करेगा। इससे मार्केट में रश से हमें लगता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर गवर्नमेंट को चाहते ही है कि कुछ इसको कोरोना को रोकने के लिए कि कुछ ऑर्डर पास किया जाए, मेरे आइडिया में, बाकी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बाकी मेरे आइडिया में वीकेंड लॉकडाउन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि वीकेंड लॉकडाउन करें, सैटरडे संडे को बंद रखें, जिससे यह है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। और दो दिन की ये जैसे बॉम्बे में किया है ब्रेक द चेन, वैसे ब्रेक द चेन के एक नज़रिए से सैटरडे संडे को बंद रख के हो सकता है कि इसके चेन में कोई ब्रेक आ सके। जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है आज सुबह कि दुकानें जो हैं वो 50% खुलेंगी, लाइक वाइज जैसे मार्केट्स को सेटल भी पूरा ऑर्डर तो आया नहीं है, बट जिस तरह से उन्होंने बोला 50% खुलेगी, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक पार्ट टाइम सोल्यूशन है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको अगर काबू करना है हमें पूरी तरह से तो हमें जो सेंटर ने नॉर्म्स दिए हैं वो हमें पूरे फॉलो करने चाहिए। और साथ में मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया अभी तक, मैं फिर भी आग्रह करना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और वैक्सीन जो लग रही है, जैसे कि हमने सुनने में आया 1 मई से जो 18 ईयर्स से ऊपर है उनको भी लग जाएगी, तो उस पर जो है हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। सर, आपका नाम? वरिंदर गुप्ता। वरिंदर जी, कोरोना को रोकने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया, एग्जाम्स भी जो हैं वो डेफर कर दिए गए, और इसी बीच में एक नया आदेश आया कि जो बाजार हैं वो 50% की कैपेसिटी से ओपन किए जाएंगे, इस ऑर्डर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसे कि पहले ही बिजनेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हुआ है, तो इससे एक पैनिक सी क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर। उससे बेटर है कि यदि एडमिशन चाहे तो इस टाइम को रिड्यूस करके शाम को 6 बजे कर लें, और वीकली यदि आप चाहें तो वीकली 2 दिन कर ले, बंद बाजार बंद भी हो सकते हैं, उससे एटलीस्ट ना पैनिक क्रिएट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि यदि वीकली लॉकडाउन हो जाए ज़्यादा अच्छा है, 50% से बेटर है कि वीकली लॉकडाउन हो जाए, और टाइम जल्दी रिड्यूस हो सकता है तो शाम 6 तक हो जाए, 5 बजे तक हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे कम से कम मैसेज ये जाएगा कि मार्केट खुल रही है, तो जो पैनिक है ना वो क्रिएट कम होगी। जो उन्होंने किया ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं 50-50 का फायदा क्या है करने का, बात यह है कि अगर वो 50-50 करते हैं, आधे लोग जब दुकानों को रोना थोड़ा है, हाँ इंसान को कोरोना है, आधे जब वहाँ पर चले जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरा अपना ख्याल है, मेरी तरफ बाजार की तरफ टाइम जो है वो ठीक कर दे, 10-7 जैसे कर दें, उसमें की चिंता नहीं, लेकिन संडे सैटरडे 2 दिन बंद करें, फुल डे बंद करने का कोई फायदा नहीं, इससे हमें भी परेशानी होगी, जो लोगों को गाहक, जैसे हम भी किसी का गाहक है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, आगे बिजनेस इतना डूबा हुआ है कि हम बिल्कुल डूबे हुए हैं, लेकिन हम कह रहे सिर्फ 2 दिन करो, और जो 50-50 कह रहे हैं उससे थोड़ा नुकसान होगा,
जब 50 मतलब कि एक नाल बाजार बंद होता है तो गुण बाजार खुल जाएगा, गुण बाजार नीचे होता है तो नीचे खुल जाएगा। इससे पब्लिक को नहीं है, हमने तो पब्लिक को देखना है, पब्लिक को बचाना है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर करना है गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जो जैसे कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी हमारा अपना नहीं, अपने बाजार का है कि दो दिन करें और उसके बाद टाइम का करें। ये जो आधा कर रहे हैं ना, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये मेरा अपना सुझाव है। और ये ऑर्डर सुना है कि एल जी साहब ने बोला है कि 50% मतलब दुकानें शॉप में मतलब कि मार्केट में खुलेंगी, लेकिन हम सोचते हैं कि 50% खोलने का मतलब क्या है? इससे तो ना हमें कोई मालूम होगा कि कैसे खोलनी है कैसे नहीं। अगर सोचेंगे एक दुकान छोड़ के एक दुकान खोलेंगे, वो भी हमें कुछ दिक्कत आएगी इस चीज़ में। अगर कहेंगे एक लाइन खोलो एक लाइन बंद करो, तब भी वही हाल है। इससे बेहतर है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इससे आप वीकेंड लॉकडाउन कर दो दिन के लिए कर लो, सैटरडे संडे को कर लो या संडे को खाली कर लो। उससे ये होगा मार्केट में थोड़ी सी हलचल कम होगी, इससे लोग एक दूसरे थोड़ा कम मिलना चाहते, जिससे कोरोना थोड़ा कम फैलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि अल्टरनेट शॉप्स जो हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, 50% मार्केट जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? ना ना ना, हम ये चाहते हैं 50% नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यूनिक करनी है तो खाली आप वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे संडे को कर सकते हैं। आप जैसे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं जी। हम भी वो लोग चाहते हैं, क्योंकि शाम के बाद तो कोई कस्टमर वैसे नहीं निकलता, नहीं बाहर भी है, वैसे 10 बजे के बाद तो वैसे ही है ही है, कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन उससे बेहतर हम कहते हैं 10 से 7 बजे सबसे बढ़िया रहेगा ये टाइम हमारे लिए। सर आपका नाम? रमन गंडोत्रा, मैं राजेंद्र बाजार का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो सर जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए जो है सरकार कई आदेश जारी कर रहे हैं। एक नया आदेश आया कि 50% मार्केट ओपन रहेगी, अल्टरनेट शॉप्स जो हैं उनको ओपन किया जाएगा। इस आदेश को किस नज़रिए से देखते हैं? सर देखिए, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकाल रही हैं, पहले भी निकलती रही हैं, काफ़ी हद तक अच्छी रही हैं। ये जो आज पर्टिकुलर सुबह हमें सुनने में आया कि 50% के साथ दुकानें खोली जाएंगी, अब इसमें क्या होगा? एक अगर हम ये लेके चलें, कोई एक तरफ की दुकानें खुली हैं दूसरे तरफ की बंद हैं, तो रश मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में उस तरह रश मार्केट में कम नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है कि कौन सी साइड दुकान खुली है कौन सी बंद है। वो घर से निकलेगा, यहाँ पहुँच के उसको पता चलेगा कि आज मेरे वाली दुकान बंद है, वो कल दोबारा निकल गया अगर, तो बात तो वही रह गई कि रश कोई कम नहीं हो पाया। कुछ लोगों को अपनी मर्जी वाली दुकान खुली नहीं मिलेगी उस तरफ, अगर उस दिन बारी रही बंद होगी। ये या तो कुछ एडवाइजरी ऐसी निकलेगी जिससे सबको लोगों को क्लियर हो जाएगी भाई आज कौन सी दुकानें खुली हैं कौन सी बंद हैं। इस तरह तो मार्केट में सभी घर से निकल पड़ेंगे कि शायद आज उनके वाली दुकान खुली हो, शायद उस तरह दुकान खुली हो, तो वो वैसे का वैसा ही रश रहेगा। इसके अलावा या कोई और गवर्नमेंट को कोई और प्रावधान या कोई और कदम उठाने की आवश्यकता है? सर देखिए, मेरी नज़र में तो जो सैटरडे वीकली लॉकडाउन की बात होती है वो एक अच्छा स्टेप, मैं इसलिए सोचता हूँ अच्छा स्टेप, क्योंकि उससे एक वो चेन ब्रेक हो जाएगी। अगर लगभग 2-2.5 दिन हमारा बंद हो जाता है, फ्राइडे रात को बंद हो और मंडे सुबह तक बंद रहे, तो लगभग 2.5 दिन बन जाते हैं। उससे क्या होगा, एक चेन ब्रेक होगी, जो टच सिस्टम वाली या जो भी है उससे फ़र्क पड़ता है। शाम को जल्दी अगर किया जाए वो भी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। लेकिन जी हां दर्शकों, आने वाले समय में जो है मार्केट बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो 50% की कैपेसिटी से ओपन होंगे। जी हां, रोटेशन वाइज जो है इनको ओपन किया जाएगा। हालांकि व्यापारिक वर्ग ने जो है इस आदेश का समर्थन नहीं किया, उनका यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट सरकार को जो है दोबारा से विचार विमर्श करना चाहिए और वीकली लॉकडाउन या फिर टाइम रिड्यूस की तरफ जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी हृदय गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।